एवरीवन, तनु भैया बोलो आप कुछ। ये तनु है, सेतु को सब्र नहीं थी शादी की, पानी गिर रहा है। बोला था दिसंबर में कर लेना, मानी गई। बचपन में लगता है कढ़ाई में चावल खाए होंगे, ऐसा सुना है कि अरे अरे कितने लोग हैं ना अभी यहां। हेलो, हाय कर लो, हाथ से पकड़े रहो ना यार। अरे यार इतना नहीं हो पाएगा, ले लो। हाय दोस्तों, ऐसे पूरी जगह भर जाएगी, जगह भर जाएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में और सेतु दीदी की शादी वाले व्लॉग्स में। आज है माता पूजन और सही से ना ये शेड्यूल और कौन से कलर के कपड़े पहनने बताया ही नहीं गया था, तो मैं सीधे हरे कपड़े पहनकर आ गई। और देखिए चंचल दीदी बिल्कुल थीम के हिसाब से रेडी हैं। और यहाँ पर आप देखिए फोटोग्राफर के सामने इतनी ज़्यादा भक्त बन गई हैं परिवार की सब महिलाएं, जैसे बिल्कुल शिव जी के लिए 16 सोमवार इन्हीं ने रखे हैं हाथ वाथ जोड़ के। एक फ्रेम में भले ही फिट नहीं हो रही है लेकिन फ़ोटो में इन सभी को ज़रूर आना है, क्योंकि भाई तैयार वैयार होके आए हैं। धीरे धीरे आप मेरे सभी परिवार वालों को जान जाओगे। और ये बच्चे को पता है बैठना ही नहीं आता, फिर मैंने इसको पॉइंट आउट किया, फिर इसकी मम्मी ने इसको ऐसे डांट के एकदम से उठा दिया कि यार ये क्या पोजीशन होता है। आइए बात करते हैं। क्या भोग लगाया है यार, क्या पूजा की है। माता पूजन में सब हो रहा है, डांस, फोटोग्राफी, तैयार होके आए हैं लोग सज धज के, सिवाय माता पूजन के बिल्कुल भगवान में किसी का भी ध्यान नहीं है, या आजकल की जेनरेशन भी। आइए थोड़े भजन सुनते हैं हमारे यहाँ के। तो हेमलता बुआ जो कि दुल्हन की ताई जी है, उनने पॉइंट आउट किया भैया गाना बजाना फोटोग्राफी होती रही, माता जी की पूजन कर लो जो कि मेन है। तो सबसे पहली रस्म जो होती है शादी की वो होती है माता पूजन, और उसके बाद भी भाई लोग फिर से आ चुके हैं डांस के लिए, क्योंकि हमारा परिवार ढोल देखते ही, डीजे देखते ही बावरा हो जाता है, डांस करे जाता है, पैसा का न्योछावर किया जाता है। और आप देखिए क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो चंचल दीदी और बुआ ने ऐसे बिल्कुल पोज कर दिया है। और एक और अच्छी बात है कि किसी को भी लेफ्ट आउट आपको फील नहीं कराना चाहिए। तो ममता बुआ ने अभी बुला लिया है रामदेवी बुआ के लिए कि आप क्यों खड़ी हो यार, आप भी डांस करो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये व्लॉग्स देखकर सीखना चाहिए कि कैसे परिवार के साथ रहें, सबको इंक्लूडेड महसूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बहुत ज़्यादा नौटंकी ड्रामेटिक परिवार है, एक ने घूंघट डाल लिया, कोई घूंघट प्रथा नहीं है ठीक है, लेकिन फिर सब एक्शन के लिए और फोटोज़ के लिए हरकतें देने के लिए। और एक और अपडेट है, ये जो मंदिर है यहाँ पे पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जा रही हैं, तो ऑडियंस देख रही है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सी है। बारिश रुक रहे का नाम नहीं ले रही है, तो चलिए अब ये आपको बता रहे हैं। ढोल वाला भी डिसअपॉइंटेड सा है कि क्या ये लोग नाचने में लगे हैं पागलों जैसे। चलिए अब वापस घर चलते हैं यार, बहुत निमिषा। हेलो निमिषा। हेलो, सेतु दीदी का आज है माता पूजन और हम लोग माता पूजन करके लौट रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इनको जून में ही शादी करनी थी तो बारिश तो होगी ही। शुरुआत में क्या हुआ, मैंने क्या क्या मिस किया ये बताओ। कुछ भी नहीं किया, यही है स्टार्टिंग माता की पूजन कर लेते हैं। बचपन में लगता है कढ़ाई में चावल खाए होंगे, ऐसा सुना है कि बारिश हो जाती है ऐसी। इधर देख के बोलो, फिर से बोलो। ऐसी की शादियों में बारिश हो जाती है ऐसा मैंने सुना है। वो सही है, आपको सीख लेना है कि कढ़ाई में चावल नहीं खाना है, ये दोनों तवेली तवेली तो पूरी शादी खराब हो जाएगी। तवेली में भी नहीं खाना है। हाँ। ठीक है, मेरे पास कैमरा पर्सन का कैमरा है, सिंधिया जी को ले लो। ये सिंधिया लग रही है पूरी है। आप पीछे होके बैठो यार, आप सही से हो रहा है। तो ये सिंधिया जी जो हैं ये हमारी सविता दीदी हैं, और हमारे यहाँ ऐसे रिवाज है कि लड़कियों के घर की लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, तो दादा दादी इनके पैर छू रहे थे
और एक और चीज़ आपको यहाँ बता दें, अगर आपने पिछला वाला जो फर्स्ट व्लॉग देखा है सेतु दीदी की शादी का, तो ये चंदा दीदी हैं, देखिए कितना काम कर रही हैं बारिश में भी। यहाँ पे बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन सेतु दीदी अपने फ़ोटो शूट से पीछे नहीं हट रही हैं। फ़ोटोज़ ही तो यार मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और यही मेरे व्लॉग का भी मकसद होता है। अभी देखो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, ये हम जब 10 साल बाद देखेंगे कितनी अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पर और डिस्कशन चल रहा है कि यार बहुत लेट हो गए हैं शेड्यूल से, मेहंदी वेहंदी लगाओ। और घर में डिस्कशंस तो होते ही रहते हैं। ये हैं गर्व और साथी के, जो कि ट्विन्स नहीं हैं यार। खाना पीना शुरू हो गया है और यहाँ पे साइड बाय साइड भजन भी चल रहे हैं। बढ़िया यार। माता पूजन के बाद जो रस्म होती है वो होती है तेल चढ़ाने की रस्म। तो ये हैं सेतु दीदी की बुआ, जो कि घर के सारे नेंग करते हैं। शादी वाले घर में आपको अलग अलग डिस्कशन देखते हुए मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग लोगों के अलग डिस्कशन, क्या रीति रिवाज करना है, क्या करना है, ये दादी से बात करते हैं। तो भैया दादी ने बोला होता है फोटो ले लेना, मतलब जहाँ पर तेल की रस्म हो रही है। तो ये देखिए तेल चढ़ाने की रस्म शुरू हो चुकी है। तो जो भी बुआ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, बहनें होती हैं लड़की की, वो सब उसे तेल चढ़ाती हैं और बुआ ऐसे उसके सर पे आशीर्वाद सा देती हैं। ये तेल चढ़ाने की रस्म है, हल्दी की जो रस्म है, ये सारी रस्में इसलिए भी की जाती हैं ताकि ब्राइड के चेहरे पर निखार आए। लेकिन अब ये सब सिर्फ नाम के लिए की जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा नेंग कर दिया जाता है। बाकी आप देखिए जो ये रस्मों के साथ के जो गाने होते हैं उनमें कितना ज़्यादा मिठास होती है। आप जिस क्षेत्र के होंगे वहाँ पर अलग तरीके की चीज़ें बोली जाती होंगी। तो दो बार लगा दिया। अरे दोस्तों दो बार नहीं, 7 बार लगाया जाता है, तो फिर से लगा रही हूँ मैं। और इस मोमेंट तक फोटोग्राफर भैया भी आ चुके हैं, जो कि हमारे पयोत भैया जी, तो पोज वोज भी कर रही हूँ साथ में। तो दोस्तों अब तेल की रस्म भी संपन्न हो चुकी है। अब हम करते हैं थोड़ा सा, ओ माय गॉड यहाँ तो हो रहा है फोटोशूट। तो बेचारे छोटू भैया स्वीट्स हैं, किसी को ना नहीं बोल पाते। और ये क्या, यहाँ पर बुआ डायरेक्ट जग से पानी पी रही हैं, क्योंकि पानी है और ग्लास नहीं है। पानी इतना है कि बाहर भी बारिश हो रही है। तो कोई खाने पीने में लगा है और बच्चे यहाँ पर खेलने में लगे हैं। वो नहीं होता मेला मेला साथी, बेल मिला चोर, तो बच्चों का अलग गेम चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे जीजा जी लोग कितने अच्छे हैं, खाना परस रहे हैं हमारे। छोटू भैया आप कुछ कहना चाहोगे? दाल बहुत टेस्टी है और इसके साथ में जो सलाद और हरी मिर्ची बहुत अच्छी लग रही है। पता है आपको शादी वाले घर में घुसने के लिए भी नेंग लगते हैं। राजू भैया आ गए हैं। वैसे तो सर पर कलश रखना चाहिए, लेकिन वो जो भी चीज़ जिसमें पानी रखा जा सकता है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रानी दीदी और ममता दीदी को मिल चुका है नेंग। तो आज हमारा हो गया है माता पूजन और तेल का कार्यक्रम। वीडियो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कॉमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत सारे वीडियोज़